हमने लोकसभा चुनाव में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती हैं और मैंने पठानकोट में सन्नी देओल के चुनाव में पंजाब केसरी के संपादक ने इंटरव्यू लिया था तो मैंने कहा था कि भाई सन्नी देओल हमारा लाखों वोटों से जीतेगा और 353 NDA की सीटें आएंगी। नरेंद्र भाई मोदी दोबारा से और ताकतवर प्रधानमंत्री बनकर के आएंगे, वो प्रभु कृपा से जनता जनार्दन ने ऐसा ही फैसला दिया। हरियाणा में हमने लोकसभा चुनाव में 79 सीटों पर जीत हासिल की है और इस बार हमारा नारा है इस बार 75 पार, ऐसा अनुमान है। आज योगा दिवस है, नरेंद्र भाई मोदी दुनिया ने आतंकवाद के मुकाबले में पूरी दुनिया ने नरेंद्र भाई मोदी को सबसे जुझारू नेता मान लिया है और देखिए नरेंद्र भाई मोदी ने 14 में योग दिवस प्रारंभ किया था, आज पूरे दुनिया में ब्रह्मांड में 198 देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मन के आया है। भारत एक बार फिर से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु वाली यात्रा के लिए चल पड़ा है। रवि विपक्ष कहाँ है? आज मान्यता प्राप्त विपक्ष तो विधानसभा में है ही नहीं। अभी देखिए लोकसभा चुनाव के बाद हिंदुस्तान में पार्टियां टूटने की प्रक्रिया जारी है, अभी 2-3 महीने बाद में आपको बताएंगे कौन सी पार्टी बचती है। इस बार का जो पोर्टल है, इस बार हम 3-4 दिन में ही सारा जो स्थानांतरण अभियान है उसको पूरा करेंगे। इस बार हमने बहुत बड़ा एक बजट राजकीय विद्यालय को उसको साफ सुथरा प्रांगण को, जैसे पीछे हमने हर विद्यालय में लड़का लड़की जहाँ है वहाँ 2 शौचालय और लड़कों वाले में वो किया, इस बार हमारे यहाँ आप देखेंगे जिला शिक्षा अधिकारी आए हुए हैं, हमने 400 करोड़ रुपया जो राजकीय विद्यालय की रिपेयरिंग है, राजकीय विद्यालय में कहीं कमरा टूट गया है हम अपने जो विद्यालय प्रांगण को उसको ठीक करने में लगे हुए हैं और स्थानांतरण नीति ऐसी लाजवाब हमारी है, 12 प्रांतों की सरकार हमारी इसको लागू कर, हमारा तो उससे पहले है और इस बार जो परिणाम आए आप लोगों ने ही दिखाया, कलम दिखाया कि हमारा पूरा गांव का एक प्रजापत का गरीब बच्चा दिन में अपने बाप की मदद करता है, चाक घुमाता है लालटन के चांदने में और वो फर्स्ट आया। इस बार हमने एक जो गरीब के घर के बच्चे जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनके लिए एक हमने 15 करोड़ रुपए की राशि और एक पोर्टल हम जारी करने वाले हैं, कोई भी गरीब का बच्चा धन अभाव में पढ़ाई रोके ना, ये हमने प्रयत्न। हरियाणा नरेंद्र भाई मोदी का जो चमत्कार था, 14 में नरेंद्र भाई मोदी का नाम था और 19 में नरेंद्र भाई मोदी का काम था। ये हरियाणा सैनिकों का प्रदेश है, जो पुलवामा का बदला लिया, जो उड़ी का बदला लिया और उसके कारण से हरियाणा के लोग और किसी की बात को सुनना ही नहीं चाहते। कांग्रेस मांगती रही है और हमने राष्ट्रवाद का तो भारतीय जनता पार्टी के उसमें विधानसभा में मुद्दे, एक तो प्रो इनकम्बेंसी, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमने जो 5 साल सरकार चलाई है उसमें चाहे रोजगार का, जैसे शिक्षा विभाग देखिए रवि आप जानते हैं कि 40,000 नियमित अध्यापकों को पहले गेस्ट टीचर लग गए और लग गए, उनको पूरा किया, उनको नियमित किया, जो उपलब्धियां हरियाणा सरकार में शिक्षा विभाग की हैं वो लाजवाब हैं। और ये जो विपक्ष की बातें हैं, कांग्रेस नेता विहीन पार्टी है, पार्टियां बनी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 52 में हमारी स्थापना की थी, 23 जून को उनका बलिदान दिवस आ रहा है, उस विचारधारा में एकदम था, आज कांग्रेस नेता विहीन पार्टी है, कार्यकर्ता उसमें है नहीं, वो बिखर रही है और बाकी लोग तो दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ। हमने लोकसभा चुनाव में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती हैं और मैंने पठानकोट में
सनी देओल के चुनाव में पंजाब केसरी के संपादक ने इंटरव्यू लिया था, तो मैंने कहा था कि भाई सनी देओल हमारा लाखों वोटों से जीतेगा और 353 एनडीए की सीटें आएंगी। नरेंद्र भाई मोदी दोबारा से और ताकतवर प्रधानमंत्री बनकर के आएंगे, वो प्रभु कृपा से जनता जनार्दन ने ऐसा ही फैसला दिया। हरियाणा में हमने लोकसभा चुनाव में 79 सीटों पर जीत हासिल की है और इस बार हमारा नारा है इस बार 75 पार, ऐसा अनुमान है। आज योगा दिवस है, नरेंद्र भाई मोदी, दुनिया ने आतंकवाद के मुकाबले में पूरी दुनिया ने नरेंद्र भाई मोदी को सबसे जुझारू नेता मान लिया है। और देखिए नरेंद्र भाई मोदी ने 14 में योग दिवस प्रारंभ किया था, आज पूरे दुनिया में ब्रह्मांड में 198 देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मन के आया है। भारत एक बार फिर से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु वाली यात्रा के लिए चल पड़ा है। रवि विपक्ष कहाँ है? आज मान्यता प्राप्त विपक्ष तो विधानसभा में है ही नहीं। अभी देखिए लोकसभा चुनाव के बाद हिंदुस्तान में पार्टियां टूटने की प्रक्रिया जारी है, अभी 2-3 महीने बाद में आपको बताएंगे कौन सी पार्टी बचती है। इस बार का जो पोर्टल है, इस बार हम 3-4 दिन में ही सारा जो स्थानांतरण अभियान है उसको पूरा करेंगे। इस बार हमने बहुत बड़ा एक बजट राजकीय विद्यालय को, उसको साफ सुथरा प्रांगण को, जैसे पीछे हमने हर विद्यालय में लड़का लड़की जहाँ हैं वहाँ 2 शौचालय और लड़कों वाले में वो किया, इस बार हमारे यहाँ आप देखेंगे जिला शिक्षा अधिकारी आए हुए हैं, हमने 400 करोड़ रुपया जो राजकीय विद्यालय की रिपेयरिंग है, राजकीय विद्यालय में कहीं कमरा टूट गया है, हम अपने जो विद्यालय प्रांगण को उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। और स्थानांतरण नीति ऐसी लाजवाब हमारी है, 12 प्रांतों की सरकार हमारी इसको लागू कर, हमारा तो उससे पहले है। और इस बार जो परिणाम आए आप लोगों ने ही दिखाया, कलम दिखाया कि हमारा पूरा गांव का एक प्रजापत का गरीब बच्चा दिन में अपने बाप की मदद करता है, चाक घुमाता है लालटन के चांदने में और वो फर्स्ट आया। इस बार हमने एक जो गरीब के घर के बच्चे, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, उनके लिए एक हमने 15 करोड़ रुपए की राशि और एक पोर्टल हम जारी करने वाले हैं। कोई भी गरीब का बच्चा धन अभाव में पढ़ाई रोके ना, ये हमने प्रयत्न। हरियाणा नरेंद्र भाई मोदी का जो चमत्कार था, 14 में नरेंद्र भाई मोदी का नाम था और 19 में नरेंद्र भाई मोदी का काम था। ये हरियाणा सैनिकों का प्रदेश है, जो पुलवामा का बदला लिया, जो उड़ी का बदला लिया और उसके कारण से हरियाणा के लोग और किसी की बात को सुनना ही नहीं चाहते। कांग्रेस मांगती रही है और हमने राष्ट्रवाद का तो भारतीय जनता पार्टी के उसमें विधानसभा में मुद्दे, एक तो प्रो इनकम्बेंसी, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमने जो 5 साल सरकार चलाई है उसमें चाहे रोजगार का, जैसे शिक्षा विभाग देखिए रवि आप जानते हैं कि 40,000 नियमित अध्यापकों को पहले गेस्ट टीचर लग गए और लग गए, उनको पूरा किया, उनको नियमित किया। जो उपलब्धियां हरियाणा सरकार में शिक्षा विभाग की हैं वो लाजवाब हैं। और ये जो विपक्ष की बातें हैं, कांग्रेस नेता विहीन पार्टी है, पार्टियां बनी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 52 में हमारी स्थापना की थी, 23 जून को उनका बलिदान दिवस आ रहा है, उस विचारधारा में एकदम था। आज कांग्रेस नेता विहीन पार्टी है, कार्यकर्ता उसमें है नहीं, वो बिखर रही है और बाकी लोग तो दिल के टुकड़े 1,000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ।